ये औरत वुल्वरीन, ऐसी वुल्वरीन निकली ये तो मुझे नहीं पता था। वो जब कमरे में आती है, शी स्टार्ट्स लुकिंग अराउंड लाइक दिस, सीन याद होता है, टाइम पे ये आती हैं, देयर इज नो नॉनसेंस इन बिटवीन। तंजीर थी वो मेरी दोस्त बन गई, फिर वो दोस्त भी मुझसे छीन गई। दैट होल प्रोसेस ऑफ टेलिंग द स्टोरी, शी जस्ट कन्वेड दैट मैसेज सो ब्यूटिफुली। राइटिंग में थोड़ा सा मुझे मसला आया था, व्हेन वी कम टू राइटिंग आई विल हैव दैट। फॉर मी स्लाइटली स्लोअर एपिसोड्स, बट जो चीज़ें हो रही हैं बादशाह खान शुरू से लेके अभी तक द मोस्ट इंटेलिजेंट आउट ऑफ द लॉट, उन्होंने पहले से मुझे लगता है फिगर आउट किया हुआ है। वो बार बार कह रहे हैं द एनिमी इज इन द हाउस, द एनिमी इज इन द हाउस, बेसिकली स्लीपिंग विद द एनिमी, ठीक है। एंड अब वो बात जो है क्या कहते हैं तुराब खान के माइंड में भी आ गई ना, वो उसको भी फ्लैश बैक्स आ रहे हैं कि दुर्रे ने जो एक दो बातें की हैं। एट वन पॉइंट मैंने कहा कि यार ये बेचारा, वो तो हमारा गायब हो गया बरलास, सडनली बरलास कम्स बैक इन हिज ब्यूटिफुल कुर्ताज, आई एम लविंग बरलास कुर्ताज बाय द वे, एंड जस्ट अ साइलेंट सीन बिटवीन द टू, आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस। सो नो डाउट इट्स अ प्ले दैट यू वॉच, यू स्टार्ट वॉचिंग इट, लैला रूल्ड, she did, Lala this Rool. was she her did. Play. Yes. Was, yes, she absolutely ruled, absolutely. These two episodes. I had a bit of a problem ke wo jab aake kehti hai ki aap mujhe tehkhane mein to nahi phenkenge, because wo peeche se thoda sa story Laila ki aani chahiye thi, because Laila was bilkul khamosh throughout abhi tak, bilkul bahut chote chote, lekin jab bhi Laila screen pe aayi hai is play mein, she has done such a wonderful job. तो मुझे उस पर थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है कि इस पर इंटरेस्टिंग उन्होंने ये किया है कि हर दो एपिसोड का ना एक स्टार है, और वो हर दो एपिसोड पर एक स्टार चेंज हो जाता है। शुरू की आप एपिसोड देखेंगी, वो पामीर आया, पामीर की फैमिली आई, उसके बाद फोकस उसमें उन पे चला गया बरलास पे, अब इस पे आ गया हर घर, तो ये बड़ा मजे का है। बट द थिंग इज कि अगर ये इस घर की बेटी है, वो बात कहनी चाहिए थी शुरू से, और फिर आप कॉन्स्टेंटली सोचेंगे कि यार क्यों इसके साथ इतनी मिस ट्रीटमेंट हो रही, क्यों इतने, और अब आके पता चलता है कि क्यों हो रही है। तो आई फील दैट, टू मी आई मीन दैट इज़ हाउ आई वुड प्रोसीव इट। मेरे लिए जब कहानियाँ साथ साथ चल रही होती है ना, आई प्रेफर दैट, बिकॉज आई डोंट लाइक इट कि आप इतने बड़े कैरेक्टर्स लिख लेते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं बिल्कुल स्क्रीन से, और फिर एकदम से आ जाते हैं स्क्रीन पे, एंड देन गायब हो जाते, दे शुड पैरेलल कहाँ, सो व्हाट हैपेंस इज दैट द होल थिंग इज गोइंग, बिकॉज नाउ आपको पता चलता है कि भाई इसके साथ तो यू नो ये सारा, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा था, बट अदरवाइज यू नो द सीन बिटवीन फैसल एंड व्हाट्स हर नेम अपना दुर्रे, आफ्टर ही कम्स बैक, उसका फंसना और फंसना, द फैक्ट दैट एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज उससे छिन गई है, वो बड़ा अच्छा शूट किया था, वो सबके पास जाके देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, इसके पास मेरा फोन है, बरलास से भी पूछने की कोशिश कर रही है, वो हिना ख्वाजा बयात वाले रूम में भी जाती है, वहां पे भी देखती है कि इनके पास तो अच्छा आप एक और चीज नोटिस कीजिए, सॉरी कि जब लैला ने आके उस फोन को ढूंढा है ना, तो आमतौर पर हम यही दिखाते हैं कि कोई किसी कमरे में गया, उसने एक दराज खोली और कड़म करके नजर आ गया, ऐसा नहीं हुआ, प्रॉपर तलाशी ली उसने, ऊपर नीचे इधर उधर जाने लगी, फिर ख्याल आया, फिर ब्लैंकेट्स में हाथ मारा, फिर अंदर से जाके कहीं वो निकला, दैट वाज वेरी कन्विंसिंग कि उसने छुपाया भी खूब, और नॉर्मली यही होता है कि अच्छा वो ढूंढने के लिए गया है तो जाके ज्यादा से ज्यादा ये करेगा कि एक दराज खोलेगा उसमें नहीं मिलेगा, दूसरा खोलेगा उसमें मिल जाएगा, और उसमें आप देखें कि उसने जो पहला दराज खोला तो उसमें गन भी पड़ी हुई थी, हाँ हाँ एग्जैक्टली, उसमें एक गन भी थी, विच इज देयर यू नो एनवायरमेंट एंड कैरेक्टर के प्रॉप से लगाई है, तूने ऐसे रखा है कि गन भी डालो, के हैं डिटेल है, कमाल की डिटेल है, हाँ। इमोजी फॉर मी आई विल गिव इट वन थम्स अप। So what I really liked about the Torab or Bagheera scene tha was ke ab Torab Khan ek aisi situation mein phas gaya hai jisme ab usko us ladki se ya us although I don't understand why her but chalo maybe he seen ke wo iske sath zara sympathetic hai to usse isko favor lena hai but again I wish ये थोड़ा सा और एम्फसाइज होता,
उनका जरा सा फंसना, उसका यू नो बिकॉज एक मजबूरी से उसने उसको बुलाया, अदरवाइज तो वो बात ही नहीं करता ना इससे. लेकिन जितनी सिंपथी वो एकदम से शो कर रहा है, मुझे वो जरा सी उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ था, मुझे मैनिपुलेटिव लगा कि अपने अपने वक्त वक्त पे उससे. हाँ, जो कि वो है मैनिपुलेटिव है, लेकिन इवन देन यू शो दैट ना लेटर ऑन दैट ही वाज बीइंग मैनिपुलेटिव, देन आई एम एब्सोल्युटली ऑन बोर्ड विद द होल सीन. मुझे लगता है आगे होगा. आई होप सो, आई होप सो, आई होप सो. आई जस्ट फील दैट सर्टन थिंग्स नीड टू बी क्लियर्ड स्ट्रेट अवे. Something, it's a small thing, it's not a big thing. For me, that whole thing was a little forced, but the situation was very good. It was a good situation to create, ki ab tum ek vaise apne dushman se hi tum ek favor le rahe ho. Yeah. You know, jo ab wo keh raha hai ki main tumko kahan se kahan bana dunga, you know. Aur wo jawab bhi deti hai. Wo baat usko resonate ki main apni umar kahan se wapas laun jo meri chali gayi. Exactly. Aur main wo sab cheeze kahan se laun jo mera bachcha chala gaya, meri umar chali gayi hai wo. Exactly. So wahi main keh rahi hu ki someone who jo usne abhi tak usko dekha bhi nahi hai aur has let her go through all this horrible stuff. So I hope it's manipulation, because if it's suddenly, or it should be this man's desperation. There's two things, na? Yes. Because he's desperate, because now it's happening to his house. Yeah. He wants to save his household, na? So one of the two things. But otherwise the situation was very good. And then of course Laila's whole story was a lot of fun. Flashbacks mein jana, wo, I think those moments were very well created. Ye aurat Wolverine, aisi Wolverine nikli. Ye to mujhe nahi pata tha ki wo to, you know. But you know, seeing Laila in the young days without the whole head covered and all was really cute. Overall, dekhe, no one can falter. This play is doing very well because there is a solid backing to it, and that is the story. Obviously, it is. Yes, chote upar, you know, unch neech hote, which most people will say. Numbers. You know. So, but for me, I will give it. This one, I'll give a 7. 7. Very good job. Direction. One can't take away. एक बस सिर्फ एक जगह मुझे थोड़ा सा लगा कि जब लैला फोन चुरा लेती है और चली जाती है, एंड व्हेन दुर्रे कम्स इनटू द रूम, शी इज बिहेविंग एज इफ शी ऑलरेडी नोज समवन हैज बीन इन दिस रूम. नहीं नहीं, वो क्योंकि वो जहाँ पे आती है तो दो ड्रॉर्स खुली हुई होती हैं, आगे जाके उसको पता चलता है. वो जब कमरे में आती है, शी स्टार्ट्स लुकिंग अराउंड लाइक दिस. व्हाई वो ड्रॉर्स देखेगी तो वो फील करेगी ना. That was my only thing. But the scene with when Faisal comes to her and says ke hum tumse lock kyun kiya hai, nahi nahi usse pehle wala, usse wala, when he says that this is what everyone is saying but I love you, lekin if that scene, I thought he did bahut it was well shot. It was, but I mean, like, I think most of the scenes, I think even jo क्या कहते हैं उस, वो तो शिनावर तो मुझे बहुत, आई रियली लाइक दैट एक्टर, द कैरेक्टर, द होल थिंग. आई विल गिव हिम एन 8 बिकॉज आई एम टेकिंग अवे जस्ट फॉर दैट. लैला जितनी इम्प्रेसिव एज एन एक्टर है, उतनी इम्प्रेसिव एज अ पर्सन है, और उतनी इम्प्रेसिव एज हर प्रेजेंस ऑन सेट. सीन उनको याद होता है व्हेन शी इज देयर, टाइम पे ये आती हैं, देयर इज नो नॉनसेंस इन बिटवीन, शी डजंट टेक लॉन्ग इन चेंजिंग, आई मीन एवरीथिंग, लाइक शी इज वन ऑफ दोज आइडियल पर्संस दैट यू वांट टू बुक फॉर एनी सीरियल, बिकॉज आपको पता है कि आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगी और आपको फुल टेबल मैनर्स मिलेंगे. जो है ना, दिस लास्ट दिस, आई मीन वी बीन प्रेजिंग हर इवन फॉर द यू नो प्री फॉर हर one scene in an episode or two scenes in an episode, we've been praising her, especially the scene with Barlas, that was just absolutely fantastic. Jab wo marne ja raha hota hai isme, to I think she outshone her, meaning obviously the lines were there, it was her moment, it was, and she played it to the brim. She did such a wonderful job. Jab wo kahani bata rahi hoti hai aur wo kehti hai ki jo zanjeer thi wo meri dost ban gayi, वो कहती है फिर वो दोस्त भी मुझसे छीन. आई थॉट दैट यू नो जस्ट दैट होल प्रोसेस ऑफ टेलिंग द स्टोरी, एंड द फैक्ट इज दैट व्हेन यू आर सम इन अ प्लेस फॉर यू नो सो मेनी इयर्स, दीज आर द थिंग्स दैट यू अटैच योर सेल्फ विथ, एंड देन दैट इज ऑल्सो टेकन अवे फ्रॉम यू. आई थॉट शी जस्ट कन्वेड दैट मैसेज सो ब्यूटिफुली. 9. अमेजिंग. सेम दैट सीन जब वो पहली दफ़ा उसको कन्फ्रंट करता है और कहता है कि लोग तुम पे शक कर रहे हैं, आई थॉट ही डिड दैट सीन वेरी वेल, मीनिंग एटलीस्ट
हिज सीन्स जो अभी इसके साथ आ रहे हैं बच्ची के साथ, वो ज़रा से चेंज हो गए. पहले इट वॉज ज़्यादातर इश्क और मोहब्बत और ये, अब ज़रा सा एक हल्का सा एक अग्रेशन आ गया है, विच इज़ अ गुड चेंज, बिकॉज अदरवाइज आप समझते हैं कि वो सारे सीन्स एक जैसे हैं. सो आई रियली लाइक दैट चेंज, बिकॉज अब ये है कि उसके माइंड में भी डाउट आ गया है, और दैट ऑल्सो प्रूव्स द काइंड ऑफ पीपल दे आर, कि तुमने इश्क तो कर लिया जो भी है, लेकिन अगर तुम गलत निकली और तुम मेरे खिलाफ हो, देन देर इज़ नो गुड, देन इट्स जस्ट मी, यू आर नथिंग, नो मैटर हाउ मच आई लव यू, आई विल हर्ट ऑल्सो बट आई विल किल यू, यू नो. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी नाइस एंड टू कन्वे दैट, आई थिंक उसने बहुत अच्छा किया. आई विल गिव हिम एन 8 ऑल्सो.